नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमने देखा कि किस तरीके से पंजाब में सियासी घमासान का जो मंजर विधानसभा चुनाव के समय में रहा, वो चुनाव ख़त्म होने के बाद भी लगातार जारी है। अब इस घमासान के बीच में आप सरकार अपना विस्तार करने जा रही है। आपको बता दें कि पंजाब की आप सरकार आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी। माना जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल में एक महिला सहित 5 विधायक शपथ ले सकते हैं। आपको पूरे मामले की जानकारी दे देते हैं। दरअसल पंजाब की आम आदमी पार्टी आज अपने मंत्रिमंडल के विस्तार करने की उम्मीद जता रही है। इस मंत्रिमंडल में एक महिला सहित कम से कम 5 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। अब 5 विधायकों को मुख्यमंत्री भगवंत मान के मंत्रालय में शामिल किए जाने की उम्मीद है, जिससे इसकी संख्या 15 हो जाएगी। जानकारी के अनुसार पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पत्र भेजकर सोमवार शाम को शपथ ग्रहण समारोह के लिए समय मांगा गया है। इस कैबिनेट के विस्तार से पहले दिल्ली में CM भगवंत मान और आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच हुई बैठक में कथित तौर पर चर्चा हुई है। सूत्रों का कहना है कि 3 घंटे चली इस बैठक में जिन लोगों को कैबिनेट में शामिल किया जाना है, उनके नामों पर चर्चा हुई। कथित तौर पर इस मामले में बैठक में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी शामिल थे। आपको बता दें कि जो विधायक शपथ ले सकते हैं, उनमें डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर है, जो अमृतसर दक्षिण से विधायक है। अमन अरोड़ा, ये संगरूर की सुनाम सीट से दूसरी बार के विधायक है। वहीं तीसरे नंबर पर है फौजा सिंह सरारी, गुरु हर सहाय से ये विधायक है। चौथे नंबर पर है चेतन सिंह जोड़ा माजरा, सामना पटियाला से ये विधायक है। अनमोल गगन मान, ये खरड के से विधायक है। तो ये आपने देखा कि विधायकों की लिस्ट है। पंजाब में आप सरकार के मंत्रिमंडल की ये विस्तार आपको कैसी लग रही है, आप हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। पंजाब सरकार के इस मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही भगवंत मान सरकार में कुल 15 मंत्री हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि फिर ये 15 मंत्री जो है मिलकर के किस तरीके का विकास कार्य पंजाब में करवा सकते हैं? आपके क्या राय है आप हमें देना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको क्या लगता है कि आप सरकार जो है वो पंजाब में अपना परचम दिखाने में कामयाब रहेगी? क्या वहाँ पर वो सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी जो वो दिल्ली में प्रोवाइड कर रही है? जो लॉलीपॉप वो दिल्ली की जनता को दे रही है, क्या वही लॉलीपॉप अब पंजाब की जनता को आप पार्टी देने में सक्षम रहेगी? आप अपना कमेंट, अपना मत ज़रूर हमें लिख करके भेजिएगा। फिलहाल हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।